एनएस टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सीसीटीवी फुटेज अपने पेन ड्राइव में कैसे लेंगे और अपने पुराने रिकॉर्डिंग को हम कैसे देख पाएंगे। सीपी प्लस का कोई भी डीवीआर होगा उसमें हम कैसे अपना वीडियो पुराने वीडियो को देख सकते हैं और पेन ड्राइव में लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है और मेन मेनू में जाना है। सबसे पहले लॉगिन करना है, जो भी पासवर्ड होगा वो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। अगर पासवर्ड नहीं होगा तो आप डायरेक्ट मेन मेनू खुल जाएगा आपका। मैंने ओके किया, देखिए मेरा ये लॉगिन हो गया, खुल गया। मान लीजिए हमको पुराना वीडियो देखना है, रिकॉर्डिंग देखना है, कल का, परसों का, या जब 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 तक का रिकॉर्डिंग मेरे ये डीवीआर में है तब तक का देना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद ये मेनू अलग अलग डीवीआर में अलग अलग टाइप का खुलता है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं करना है किसी को। जब भी आएगा सर्च में आपको सर्च दिखेगा, बैकअप दिखेगा, कैमरा दिखेगा, इन्फो दिखेगा, सेटिंग दिखेगा, एग्जिस्ट दिखेगा। सबसे पहले अगर रिकॉर्डिंग पुराना रिकॉर्डिंग देखना है तो सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे डेट दिखा रहा है, कैलेंडर दिखा रहा है कौन सा डेट को देखना है, और यहाँ पर कैमरा दिखा रहा है कौन सा कैमरा देखना है। मान लीजिए एक कैमरा देखना है, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये व्यू दिखा रहा है, 1 से 8 का देखना है या 4 कैमरा देखना है या सिंगल कैमरा देखना है, तो यहाँ सर्च लगा कर सकते हैं। 11 तारीख का देखना है, डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जब का हमको देखना है, ईयर का जब का लगना है हम इनपुट कर सकते हैं। हमको 2020 का ही देखना है, मान लीजिए परसों का देखना है, ये क्लिक किया, इस पर क्लिक कर दिए और हमारा यहाँ पे कैमरा ये सर्च कर लिए, एक कैमरा का जितना कैमरा हमको देखना है सर्च किया 1 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे वीडियो प्ले करके देखते हैं, देखिए मेरा दिखा रहा है उस दिन का रिकॉर्डिंग, ये हम देख सकते हैं। मतलब एक कैमरा देखना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको, रोक के तो वो दिख जाएगा हमें। यहाँ पे डेट वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। बैक आने के लिए राइट क्लिक करना है, कोई भी यहाँ पे देखिए टाइम भी दिया हुआ नीचे, आप जहाँ से क्लिक कीजिएगा वहाँ से आपको ये ले जाएगा। मान लीजिए हमको 11 तारीख को मेरा थोड़ा सा ही रिकॉर्डिंग हुआ है, वो हमको यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद आना बैक, आप देखना कि पेन ड्राइव में कैसे लेना है हमको। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने डीवीआर में पेन ड्राइव लगाना है। मैं लगा रहा हूँ पेन ड्राइव में अपने डीवीआर पे पेन ड्राइव लगा रहा हूँ। पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, देखिए इस टाइप का मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फाइल बैकअप चूज करना है, अगर रिकॉर्डिंग लेना है अपने पेन ड्राइव पे। इसमें क्लिक करेंगे तो ये मेरा देखिए बैकअप का कितना बजे से कितना स्टार्ट टाइम, इन टाइम, टाइमिंग जो भी है सब दिखा रहा है। मान लीजिए आपका ये पॉपअप विंडोज़ नहीं खुल रहा है तो क्या करना है, मेन मेन्यू में जाना है और दूसरा ऑप्शन जो बैकअप दिख रहा है ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नहीं क्लिक कीजिएगा, बैकअप पे क्लिक किए ये हमारा देखिए पेन ड्राइव का स्टोरेज दिखा रहा है, 24 GB मेरा भी खाली है, 28 GB का है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर टाइमिंग कितने बजे का रिकॉर्डिंग लेना है। मान लीजिए हमको 11 बजे का लेना है, मान लीजिए 12 बजे का रिकॉर्डिंग लेना है तो 12 इनपुट किए। डेट चेंज करना है, डेट चेंज कर सकते हैं, PM कर देंगे और यहाँ पे भी 12:05 का लेंगे, यहाँ पे PM कर देंगे, ये हो गया। रिकॉर्ड कौन सा कैमरा, ऑल का लेना है तो ऑल कर सकते हैं, एक का लेना है तो एक कर सकते हैं। यहाँ ASF हमेशा सेलेक्ट करके रखिएगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट DAV आएगा तो DAV में आपका बहुत सारा प्लेयर में नहीं चलेगा, ASF में सारे प्लेयर में चलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये बैकअप लेंगे तो ASF करके ही लीजिएगा ताकि कोई भी प्लेयर में आपका चल जाएगा। उसके बाद सर्च करना है, सर्च में करेंगे तो इतना टाइमिंग का बीच जो रिकॉर्डिंग का वीडियो क्लिप काट के ये मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, इसको चेकबॉक्स अगर किया हुआ रहेगा तो चेकबॉक्स करना है, कर देना है। उसके बाद इसको बैकअप करना है, बैकअप करने के बाद आपका यह टाइमिंग शुरू होगा, ये टाइमिंग कंप्लीट होते ही आपका वो पेन ड्राइव में क्लिप काट के चला जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा फोल्डर पे आ गया है, ये फाइल रिकॉर्डिंग का आ गया है, आपको सिंपली क्या करना है ओके कर देना है। ये आपका पेन ड्राइव में चला गया है और इधर स्क्रीन में क्लिक करके बैकअप करना है। अगर किसी तरह को कोई CCTV फुटेज को लेकर आपको दिक्कत होती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।